आपका फिर से स्वागत है हमारे एक YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम कुछ करने वाले हैं, कुछ गेम प्ले करने वाले हैं, जो कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी रेडमी नोट 7 प्रो में चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और कॉल ऑफ ड्यूटी आपका गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, किस प्रकार का रेडमी नोट 7 प्रो में कॉल ऑफ ड्यूटी का परफॉर्मेंस है। देख सकते हैं मेरे में इंस्टॉल है सक्सेसफुली, साथ साथ मैं आपको प्ले स्टोर में जाके भी दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर में लिखूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से रजिस्टर्ड कर रखा था और मेरे को ये मिल चुका था और मैंने इसको कर लिया। लेकिन आप जब प्ले स्टोर पे जाओगे तो आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जब आप इसे डाउनलोड करने जाओगे। तो मैं अपने दूसरे मोबाइल में दिखा देता हूँ जिसमें मैंने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा था। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने रजिस्टर कर रखा था। लेकिन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना, ये आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे भी बता देना, देख लेना कहां पे मैं दे सकता हूं, तो वहां पे मेरे को बता देना। कॉल ऑफ ड्यूटी सर्च मारेंगे तो यहां पे आपके सामने कमिंग सन आ जाएगा, क्योंकि सभी यूजर के लिए अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। प्री रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ से रजिस्टर करके रख लीजिए कि आपको मेरे वीडियो के आने से पहले ही आपको डाउनलोड लिंक मिल जाए इनकी तरफ से। तो यहाँ से रजिस्टर करके एक बार ही रख लीजिए, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में आप बता बोलोगे तो मैं आप वीडियो बना दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है अपने फोन के अंदर। तो इसको रखते हैं साइड में, तो मेरे सामने हो चुका है। इसकी साइज मैं बता देता हूँ, साइज है इसका 1.4 GB कुछ है, मतलब 1.5 GB का इसका साइज है। तो मेरे पास है रेडमी नोट 7 प्रो, इसके अंदर परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ किस प्रकार की है। तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी गेम देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको चालू किया तो ये देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ये चालू हो रहा है। टीसेंट गेम के साथ पार्टनरशिप डाली हुई है। तो रेडमी नोट 7 प्रो में क्या ये ग्राफिक्स वेरी हाई में सपोर्ट करेगा? जी हाँ, ये सब और देख सकते हैं। ये गेम जब चालू करेंगे तो ये जायरोस्कोप की सेंसर की मदद से ये देख सकते हैं, आप हिला भी सकते हैं जिस प्रकार से आप हिलाएंगे। अगर आपके मोबाइल में जायरोस्कोप सेंसर है तो ये आप हिला भी सकते हैं, इस गेम को देख सकते हैं। लेकिन आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको फेसबुक या एक आईडी बनानी पड़ेगी, या फेसबुक से लॉगिन कर लीजिए डायरेक्ट ही, आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद लॉगिन करने के बाद ऑटो लॉगिन हो जाएगा, मतलब जब भी चालू करोगे तो ऑटो लॉगिन हो जाएगा। तो इस गेम की बुरी बात बता दूं तो ये पता नहीं बीटा के अंदर आया था तो ये बहुत मेरे को परेशान किया। जैसे मैंने चालू किया तो जो ये बोलता था उसको करना ही पड़ता था, प्ले बंदूक ये वो धक्के काम से ये गेम को प्ले करवाते हैं, तो ये थोड़ी गलत बात लगी है। तो हमें जो प्ले करना है वो हमारी मर्जी होनी चाहिए, जैसे पबजी में थी। आप देख सकते हैं, हम इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ, ये हाई वेरी हाई ग्राफिक्स में सपोर्ट करता है या नहीं गेम नोट 7 प्रो। नोट 7 प्रो की बात कर रहा हूँ, बाकी का पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे गए हम सिस्टम में देख सकते हैं, मैंने सारे चीज वेरी हाई पे कर रखा है, मतलब ये सपोर्ट करता है वेरी हाई पे कॉल ऑफ ड्यूटी को। लेकिन नेक्स्ट वर्जन में क्या पता करे या ना करे, लेकिन करेगा मेरे को 100% पता है। तो हम इसको करते हैं गेम प्ले। तो ये हमारी हो चुकी है गेम प्ले, कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, थोड़ा और भी आने वाले टाइम में इसका सुधार होएगा इसमें। तो ये हमारा गेम प्ले हो चुका है। आपको कौन सी गेम बढ़िया लगती है ये भी बताना मेरे को। तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, 5 सेकंड 4 सेकंड कर रहा है ये, तो कूद भी नहीं सकते ना कुछ कर सकते, पबजी के जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत पबजी थोड़ा अलग है। तो ये हम चलते हैं, तो काफी अच्छी चल रही है रेडमी नोट 7 प्रो, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, देख सकते हैं आप, कुछ भी लैग देखने को नहीं मिल रहा अपने को। जी देख सकते हैं मैं अभी हो चुका हूँ डेथ। तो एक गेम प्ले आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा गेम मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, पीछे से कोई मार रहा है क्या। तो कैमरे के सामने थोड़ा खेलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को कोई भी इसमें फ्रेम्स या किसी भी चीज़ का रेडमी नोट 7 प्रो में कोई भी इशू नहीं देखने को मिला। साथ में वेरी हाई सपोर्ट करता है, मतलब प्रोसेसर इसका काफ़ी तगड़ा है नोट 7 प्रो का, जब ये लैग नहीं कर रहा। क्या आप थोड़ा हीट होने के बाद या आप थोड़ा धूप के अंदर खेलो तो क्या आपको लैग देखने को मिले या फ्रेम्स का सामना करना पड़े।
तो ये जायरोस्कोप सेंसर आप करके आप भी खेल सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर रखा है। तो काफी अच्छा, मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ इस गेम को। तो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है Redmi Note 7, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप Redmi Note 7 Pro के अंदर आराम से खेल सकते हैं। तो ये हमारी गेम हो चुकी है एंड। तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और कुछ ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा, जिससे पबजी के अंदर गर्म होता था। गेम भी काफी हीट नहीं होता इस गेम में आपका मोबाइल भी ज्यादा। तो कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है। कौन सी गेम आपको अच्छी लगी खेल के जरूर बताना, ऐसे मत बताना। मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही है, पबजी और बाकी। आपकी राय क्या है वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो जरूर बताना हमको। बस इस वीडियो में इतना ही, बस एक छोटा सा गेम प्ले दिखाना था Redmi Note 7 Pro में। Redmi Note 7 में प्रो में मक्खन भर का चल रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी वेरी हाई। ग्राफिक्स पे किस मर्जी कर लीजिए, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। मैं बीटा वर्जन यूज कर रहा हूँ फिर भी मेरे कोई लैग देखने को नहीं मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।